Hi friends, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ yummy yummy ice cream, वो भी mango ice cream दोस्तों। तो देरी किस बात की है? तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। रुको रुको दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? सही समझे आप, उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है आपकी अश्मी के लिए। सबसे पहले हम मैंगो लेंगे, उन्हें पील ऑफ करेंगे और उनको छोटे पीसेस में कट करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें मैंगो पीसेस डाल देंगे और उसे हम ग्राइंड करेंगे दोस्तों। गुर गुर गुर, ये मैंगो प्यूरी तैयार हो गई है। इसे हम बाउल में निकालेंगे, साइड रखेंगे। आज मैं आपको मलाई से आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी दोस्तों। मलाई तो हमारे घर में होती ही है, वाइट वाइट चिकनी चिकनी। तो हम बाउल में लेंगे, उसे इलेक्ट्रिक हीटर से या हैंड ब्लेंडर से या विस्क से हम मलाई को सॉफ्ट कर लेंगे। इसको करने में थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक बीटर से तो फटाफट हो जाएगा। मैं तो उसी से ही कर रही हूँ। मैं तो मम्मा की हेल्प लूंगी क्योंकि मैं तो अभी छोटी हूँ। ये हमारी मलाई सॉफ्ट हो गई है। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, यदि मौसम गर्म हो तो आइस के ऊपर ही मलाई को फेंटना है। हमारी मलाई सॉफ्ट हो गई है, इसमें हम कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। मैंने बनाना सिखाया था ना दोस्तों, वहाँ से रेसिपी देख लेना। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हम यहाँ पर दो आइसक्रीम बना सकते हैं दोस्तों, एक लाइट येलो कलर की और एक डार्क येलो कलर की। आपको डार्क कलर चाहिए तो कम ज्यादा ऐड कर लें। हेलो येलो कलर, वो भी खाने वाला दोस्तों। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हम एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में जमने के लिए रखेंगे। और 3 से 4 घंटे बाद हम अपनी आइसक्रीम को निकाल कर जम करेंगे। अब हम इसे दोबारा से उसी बॉक्स में जमने के लिए रख देंगे। एक आइसक्रीम तो हो गई, अब हम दूसरी आइसक्रीम बनाएंगे। यदि मैंगो का डार्क कलर आ जाए तो हमें कोई कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है। बॉक्स में हम थोड़ा मैंगो प्यूरी डालेंगे और थोड़े कटे हुए आम के पीसेस डाल देंगे। फिर से प्यूरी डालेंगे। जब खाने में मैंगो का स्वाद आता है ना, तब भी अच्छा लगता है। फ्रिज में जमने रखेंगे ओवर नाइट या फिर 10 से 12 घंटे। हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे और टेस्ट तो करना ही है। यम्मी और टेस्टी भी बना है दोस्तों। आपका भी खाने का मन हो रहा है ना, तो मैं बताती हूँ कैसे खाना है। आप See you smile on your face like if you know.